हेलो एवरीवन, माय नेम इज नरेंद्र कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल एट द चंडीगढ़ करियर ग्रुप। सो गाइस, हम एफ कैट का जो 30 डेज क्रैश कोर्स है, इसके अंदर जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ कैट की जीके की क्वेश्चंस की, और दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये जो होगा पार्ट थ्री होगा। आपने यदि पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देखना है, और उसके बाद जो है आप इस पार्ट के ऊपर आ सकते हो। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली इस पार्ट को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन। जो क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें क्या बोला गया है, द बुक द राइट्स ऑफ मैन वॉज रिटन बाय। जो बुक है राइट्स ऑफ मैन, ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी थॉमस पेन, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो जो राइट आंसर इसका देखने को मिल जाएगा, बी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि होगा थॉमस पेन। यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, द राइट्स ऑफ मैन के बारे में, तो इसको जो है 1791 में पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा, थॉमस पेन के द्वारा। ओवरऑल इसमें 31 आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, और आपको ये देखने मिल जाएगा कि जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था उसमें जो है इन आर्टिकल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट, ये पॉइंट भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, जो राइट्स ऑफ मैन है इसके दो पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जो पार्ट वन है ये मार्च 1791 में पब्लिश हुआ था, और वहीं पर यदि हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, तो जो सेकेंड पार्ट पब्लिश होगा ये फेब 1792 के अंदर जो है पब्लिश होगा। अलॉन्ग विद दैट, बाकी की जो पर्सनैलिटी है इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ज्योतिबा फुले, तो ये आपको एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थिंकर देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्म्स को चलाया था, और बेसिकली ये जो है बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। यदि आपसे एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है कि जो ज्योतिबा फुले हैं ये कौन सी स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर जो है महाराष्ट्र होना चाहिए। इन्होंने हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है, और स्पेशली यदि हम बात करते हैं इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी में और कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं जो है चेंज करने में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। वहीं पे यदि हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ये जो है जो लोअर कास्ट से आते थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है क्या किया था, बुद्धिज्म को जो है बुद्धिज्म को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। अलॉन्ग विद दैट आपको ये देखने मिल जाएगा, जब इंडिपेंडेंट इंडिया होगा तो जो है ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर होंगे इंडिया के, और ये इनको जो है क्या कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और सम टाइम इनको जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हु इज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन व्हाट शुड बी योर आंसर। आपका जो आंसर होना चाहिए बी आर अम्बेडकर होना चाहिए, और इनको जो है मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है दलित के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लिए थे, इसीलिए जो है इनको क्या किया जाता है, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। तो काफी फ्रिक्वेंटली यदि एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बने तो आपके ऐसे क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसमें पूछा गया है विच बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या है कि आपने जो है कोई मिसाइल को छोड़ा है, उसके बाद वो कहाँ पे जा रही है वो आपको पता नहीं चल रहा है, आपकी जो है विजुअल रेंज के बाहर है। तो विच बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल इज इंटीग्रेटेड विद द न्यूली इंडक्टेड रफाल फाइटर जेट। जो हमने रफाल फाइटर जेट जो है फ्रांस से लिए हैं, राइट, उनमें जो है कौन एयर टू एयर मिसाइल जो है इसको इंटीग्रेट किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कल्प, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो देखने को मिल जाएगा योगा मेट्रोर, जो ऑप्शन सी है ब्रह्मोस, और ऑप्शन डी जो है निर्भय आपको देखने को मिल जाएंगे। सर सबसे पहले बात हो रही है बियॉन्ड विजुअल रेंज की, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा जो निर्भय होंगे और ब्रह्मोस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कल हमने इनके बहुत कल या परसों वाले लेक्चर में हमने इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जाना था, और हमने कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं पढ़ा है कि जहाँ पर ये बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर आते हैं, राइट। तो गाइस आप क्या कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट कर सकते हो, कोई भी पॉइंट नहीं छूट रहा है। तो जो है आप ये सोचो, यदि जो है आपने उस टॉपिक में ये चीज नहीं पढ़ी है तो मतलब ये चीज है ही नहीं, राइट। तो जो है अब ए और बी से जो है आपका क्या होगा सर, कोई सही आंसर होगा तो बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि होगा मेट्रोस, राइट। इसको अब हम और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम बात करते हैं इंडिया और फ्रांस ने जो है, हमें ये पता है सितंबर 2016 में जो है अराउंड 5900 करोड़ की एक डील की थी इंडिया और फ्रांस ने, जिसमें जो है हमें क्या मिलने वाले हैं, 36 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। अब ये जो रफाइल जो जेट है, ये बेसिकली जो है जो डसॉल्ट एविएशन देखने को मिल जाएगी फ्रांस की, इन्होंने सर क्या किया है, इन्होंने जो है मैन्युफैक्चर करने की जिम्मेदारी ली है। और यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, तो मेट्रो
आपको क्या देखने मिल जाएगी, जो कि बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिल जाएगी, और स्कल्प जो होगी ये क्रूज मिसाइल है, राइट। तो जो है इसको क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं 36 जो आपके हमारे जो राफेल फाइटर जेट आपको देखने मिल जाएगा, जो कि हम फ्रांस से लेने वाले थे, जो पहले पांच जो है हमें कब रिसीव हुए थे, हमें रिसीव हुए थे जुलाई 29 को, राइट। और जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा, ये कहां पे लैंड हुए थे, अंबाला के अंदर लैंड हुए थे, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अंबाला एयर बेस जो कि कहां पे हरियाणा के अंदर है, इसको जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो है इसको जो है गोल्डन एरो भी कहा जाता है, गोल्डन एरो कहा जाता है, ये भी आपको पॉइंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वहीं पे जो आपको क्या देखने मिल जाएगा, सेकंड बैच में जो है टोटल 3 राफेल जेट आए थे, जो कि कहां पे जो जामनगर एयर बेस है गुजरात के अंदर, वहां पे ये क्या हुए थे, लैंड हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 36 राफेल जेट है ये जो है कंप्लीटली हमारे यहां पे पहुंच जाएंगे कब, 2023 तक, राइट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें बोला जा रहा है इन विच फील्ड इज पंडित जसराज फेमस, जो पंडित जसराज है ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज क्लासिकल डांसर, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी क्लासिकल म्यूजिशियन, एंड ऑप्शन डी आपको क्या देखने मिल जाएगा, तबला आर्टिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, ये क्या थे, क्लासिकल म्यूजिशियन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे यदि हम बात करते हैं पंडित जसराज की, तो पंडित जसराज का जो है जन्म कब हुआ, 28th of January 1930 को इनका जन्म होता है, और इनकी जो मृत्यु होती है 17th of August 2020 में इनकी जो है मृत्यु होती है। ये आपको क्या देखने मिल जाएंगे, इंडियन क्लासिकल आपको जो है ये बेसिकली जो है म्यूजिशियन देखने मिल जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर कि ये कौन से घराना से बिलोंग करते थे, तो बेसिकली जो है मेवाती घराना से बिलोंग करते थे, राइट। इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि इनको 1975 में जो है पद्मश्री मिला था, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है इनको 1987 में मिला था, और वहीं पे यदि हम बात करते हैं पद्म भूषण की 1990 में मिलेगा, पद्म विभूषण जो है 2000 के अंदर, वहीं पे जो है स्वाति संगीत पुरस्कार इनको जो है 2008 में मिलेगा, और संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो है इनको 2010 में मिलेगी। तो काफी रिनाउंड पर्सनैलिटी है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाए, तो आपको पंडित जसराज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली म्यूजिशियन थे। यदि हम इंडियन म्यूजिक की बात करते हैं तो बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि जिनमें जो है स्ट्रिंग का यूज किया जाता है, तब जाके वो प्ले होते हैं। जैसे आपको संतूर देखने को मिल जाएगा, सरोद, सितार, सुरबहार, वीण, वीणा और रुद्र वीणा, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये भी हम बात करते हैं, ये सारी सारी पर्सनैलिटी इनके साथ एसोसिएटेड है। अब यदि हम बात करते हैं एज ए ह्यूमन बींग, ये आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आप इतने सारे की सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते, राइट। तो आपको क्या करना है सर, आपको जो है बस एक बार इनका जो है नामों के साथ गो थ्रू करना है, ताकि जो है थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, अदरवाइज इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एपकैट में कोई पूछेगा नहीं। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द ओलंपिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ये गया है कि ऐसी कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट थी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को कहां पे, ओलंपिक्स में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज पीटी उषा, ऑप्शन बी नीलिमा घोष, ऑप्शन सी साइनी विल्सन, एंड ऑप्शन डी एमडी वर्समा। सो द राइट आंसर डेफिनेटली इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, दैट इज द नीलिमा घोष, राइट। तो नीलिमा घोष के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बी राइट आंसर इसका देखने को मिलेगा। यदि हम बात करते हैं सर, फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट जिसको जो है अर्जुना अवार्ड मिला है, वो कौन होंगे, ये होंगे स्टेफी डिसूजा, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब फर्स्ट हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द वुमेन टेस्ट क्रिकेट किसका है, मिथाली राज का है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड रीता फारिया आपको देखने मिल जाएगी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एंटर इन द फाइनल ऑफ एन ओलंपिक एथलीट इवेंट, तो पीटी उषा देखने को मिल जाएगा इन द ईयर ऑफ 1984। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स टाइटल जो है ये कौन देखने को मिल जाएगी, सुष्मिता सेन देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, देविका रानी देखने को मिल जाएगी। और फर्स्ट वुमेन एथलीट सर जिसने जो है रिप्रेजेंट किया था इंडिया को ओलंपिक्स के अंदर, नीलिमा घोष देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर जिसको जो है अर्जुना अवार्ड मिला था, लमस डेन आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने क्वालिफाई किया था जो हमारे ओलंपिक्स से सेमीफाइनल
मेडल्स होता है जो एथलेटिक्स का, उसमें तो शिनी विल्सन देखने को मिल जाएंगी। और यदि हम बात करते हैं सेकेंड इंडियन वुमेन सर, जिन्होंने क्या किया था, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स के अंदर और फर्स्ट टू विन इन द इंडियन सॉइल, तो ये कौन देखने को मिल जाएंगी, MD वर्ल्ड्स माँ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कॉर्नर की इन्फॉर्मेशन है, यदि आपने सुना होगा तो डेफिनेटली आप इनका आंसर कर पाओगे। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 होगा ये, राइट, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या बोला गया है, स्कोरिंग अ कैनन, ठीक है, ये जो टर्म है ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है। तो हमने टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से की है, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस भी रहा है, राइट। तो इसके आपके ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे, एक आपको देखना है कॉर्क्यूट, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी एथलेटिक्स एंड ऑप्शन डी देखने मिल जाएगा बिलार्ड। तो क्या देखने मिल जाएगा सर, डी इसका जो राइट आंसर होगा और वो क्या होगा, बिलार्ड होगा। यदि हम बात करते हैं बिलार्ड की, तो इसके अंदर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि बिलार्ड के साथ एसोसिएटेड है। हमने क्यू के बारे में बहुत अच्छे से देखा, हिट और ब्रेक शॉट हमने बहुत अच्छे से देखा था। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं जो बिलार्ड है ये बेसिकली जो है किसके ऊपर खेला जाता है सर, रेक्टेंगुलर टेबल होता है जिसमें जो है तीन कलर की आपको बॉल देखने को मिल जाएगी, एक जो है रेड होती है, एक बाकी दो आपको व्हाइट देखने को मिल जाएगी और एक आपको जो है क्या देखने को मिल जाएगा, वन विद अ स्मॉल ब्लैक डॉट, वन विदाउट, राइट। तो ये देखने को मिल जाएगा। अब सब सब बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके अंदर आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन जब भी बिलार्ड की बात होती है तो इंडिया में आपको एक ही पर्सनैलिटी का नाम याद आता होगा और ये सर कौन होंगे, पंकज अडवाणी होंगे। पंकज अडवाणी काफ़ी फेमस जो है बिलार्ड प्लेयर देखने को मिल जाएंगे इंडिया के अंदर और इनको जो है कहा जाता है बिलार्ड्स मेस्ट्रो ऑफ इंडिया। तो ये सारे सारे पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। बाकी यदि हम शूटिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको रेंज देखने को मिल जाएगा, बुल आई, रैपिड फायर, पिस्टल, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी देखने मिल जाएगी। एथलेटिक्स के अंदर हाई जंप, फोटो फिनिश हमने बहुत अच्छे से देखे थे, ये सारी की सारी चीज़ें, रिले ट्रैक एक्सेट्रा, ये सारी की सारी किसके साथ एसोसिएटेड है ये देखने को मिल जाएगी कि एथलेटिक्स के साथ एसोसिएटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा बोला गया है, एक इंडियन एथलीट है इनका नाम क्या है, जोशना चिनप्पा है, ये रिप्रेजेंट करती है कंट्री को कौन से स्पोर्ट्स के अंदर। आपका ऑप्शन ए देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए इज डिस्कस थ्रो, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी कबड्डी एंड ऑप्शन डी स्क्वैश। तो जो है राइट आंसर क्या देखने मिल जाएगा, ऑप्शन डी देखने मिल जाएगा, स्क्वैश इज द राइट आंसर, जिसमें जो है जोशना चिनप्पा ने रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये आपको जोशना चिनप्पा देखने मिल जाएगी और जो है ये जो है स्क्वैश की गेम होती है, तो जोशना चिनप्पा जो है रिप्रेजेंट करती है इंडिया को स्क्वैश के अंदर। ये यंगेस्ट इंडियन वुमेन नेशनल चैंपियन आपको देखने को मिल जाएगी और इन्होंने जीता था सर जो ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी टाइटल अंडर 19 की कैटेगरी में, उसको भी इन्होंने जीता था। ये आपको पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी यदि हम बात करते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जो स्क्वैश के साथ एसोसिएटेड है, तो बोस्ट देखने को मिल जाएगा, बोस्ट हो गया, उसके बाद जो आपको निक देखने को मिल जाएगा, स्ट्राइकर, टाइट, टीन, ये सारे के सारे इसके साथ एसोसिएटेड है। वहीं पे हम बात करते हैं जो ऑप्शन में था कमलप्रीत कौर, ये डिस्कस थ्रो जो है, डिस्कस थ्रो के साथ कमलप्रीत कौर एसोसिएटेड है। और जूडो के साथ जो है आपको क्या देखने मिल जाएंगे, तोडम कल्पना देवी, आपको ऐसे ये सारे के सारे जो है नाम कहीं ना कहीं पता होने चाहिए ताकि जो है आपका क्वेश्चन सही हो पाए। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, वेयर वाज द ओलंपिक हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, US और यूरोप के बाहर जो है कहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स जो है हेल्ड हुए थे, या ऐसा कहा जाता है यूरोप और जो आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके आउटसाइड जो है कहाँ पे हुए थे। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी आपको देखने को मिल जाएगा मेलबोर्न, ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा कैनबरा एंड ऑप्शन डी देखने को मिल जाएगा रियो, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, मेलबोर्न ओलंपिक्स देखने को मिल जाएंगे। मेलबोर्न ओलंपिक्स की बात करते हैं तो ये जो है आपको देखने मिल जाएगा 1956 में हुए थे और फर्स्ट टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट किया था और ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट टाइम जो है ओलंपिक हेल्ड हुए थे आउटसाइड द यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट, राइट। तो और अलॉन्ग विद दैट ये जो है फर्स्ट ओलंपिक होंगे जो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हुए थे, हेल्ड हुए थे। तो पूछेगा यदि एग्जाम में जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो है फर्स्ट टाइम ओलंपिक कब हेल्ड हुए हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेलबोर्न होना चाहिए। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, टोक्यो के बारे में बात करते हैं, तो 2020 के जो है समर ओलंपिक इसने जो है होस्ट किए थे, टोक्यो ने किए थे। अब ऐसा नहीं था टोक्यो ये फर्स्ट टाइम कर रहा था, ये आपको देखने मिल जाएगा कि जो है 1964 में जो है ऑलरेडी टोक्यो होस्ट कर चुका है ओलंपिक्स को। 1964 में टोक्यो में जो गेम्स हुई थी, टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, तो ये फर्स्ट टाइम जो है एशिया के अंदर ओलंपिक गेम्स हुई थी।
राइट, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। वहीं पे यदि हम बात करते हैं रियो डी जेनेरियो के बारे में, तो आपको ये देखने मिल जाएगा कि जो है 2016 के अंदर जो है यहाँ पे जो है ओलंपिक्स हुए थे, और साउथ अमेरिका में फर्स्ट टाइम जो है 2016 के अंदर हुए थे। और कैनबरा आपको क्या देखने मिल जाएगा कि ये जो है कैपिटल सिटी देखने मिल जाएगी किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है, ये आपको जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आपको देखने मिल जाएगा इसमें बोला जा रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू रीच द क्वार्टर फाइनल ऑफ द बैडमिंटन सिंगल्स इन द ओलंपिक। तो जो है ओलंपिक के जो क्वार्टर फाइनल होते हैं बैडमिंटन के जो सिंगल्स में खेलते हैं, उसमें जो है पहली इंडियन पर्सनैलिटी कौन थी जो पहुंची थी। आपके ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, ऑप्शन ए इज पीवी सिंधु, ऑप्शन बी अश्विनी पी, ऑप्शन सी अर्पणा पोपट एंड ऑप्शन डी साइना नेहवाल। सो जो राइट आंसर आपको देखने मिल जाएगा, डी राइट आंसर देखने मिल जाएगा, डी क्या होगा, साइना नेहवाल इसका राइट आंसर होगा। राइट, तो सर साइना नेहवाल जो है फर्स्ट इंडियन शटलर है, जो कि जिन्होंने क्या किया है सर, जिन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो है दो गोल्ड मेडल जीते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो 2018 की एशियन गेम हुई थी, तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने जो है इंडिया के लिए मेडल जीता था। वहीं पर यदि हम बात करते हैं ओलंपिक की, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है इसको जो है फाउंड कब किया गया था, 1894 में इसको फाउंड किया गया था, और यही जो है विंटर ओलंपिक्स और समर जो ओलंपिक्स है इसको कंडक्ट करवाती है। इसका हेडक्वार्टर आपको लुजैन में देखने को मिल जाएगा, और थॉमस बात जो है इसके प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। ये बात हम पता नहीं कितनी बार जो है ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जो है ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करते हैं पीवी सिंधु के बारे में, तो सर पीवी सिंधु जो है इन्होंने ये भी काफी रिनाउंड पर्सनैलिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ में, यदि हम बात करते हैं बैडमिंटन के साथ में, तो सर इन्होंने जो 2018 के जो है एशियन गेम्स हुए थे वहां पे इन्होंने जो है सिल्वर जो है मेडल जीता था। 2016 के जो है रियो डी जेनेरियो में जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें भी इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। राइट, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वहीं पर इन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो शिप थी इसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने जीता था। जैसा कि मैंने बताया जो पीवी सिंधु थी ये फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट थी जिन्होंने दो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं। पहले में आपको क्या देखने मिल जाएगा, अब इन्होंने एक बार 2016 रियो डी जेनेरियो में जीता था, और उसके बाद जो है तो जो 2020 में ओलंपिक गेम्स हुई थी टोक्यो के अंदर वहां पे इन्होंने जीता था। राइट, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 होगा आई थिंक ये, राइट। तो जो है विद विच स्पोर्ट्स द बेगम हजरत महल कप इज एसोसिएटेड, बेगम हजरत महल कप कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। आपके ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए इज हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा ये कबड्डी होगा, और ऑप्शन जो डी आपको देखने को मिल जाएगा ये आपको जो है फुटबॉल देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ये आपको जो है ऑप्शन डी देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या होगा फुटबॉल होगा। तो जो है बेगम हजरत महल कप जो है एसोसिएटेड है फुटबॉल के साथ में, और बाकी जो ट्रॉफीज एसोसिएटेड है फुटबॉल के साथ में ये आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, संजय गोल्ड कप देखने को मिल जाएगा, संतोष ट्रॉफी देखने को मिल जाएगी, कलिंगा कप, स्टेफोर्ड कप, उसके बाद सुब्रोतो कप, और जो है रोवर कप, ये सारे सारे हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो आपको ये जो है इनके बारे में पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं बेगम हजरत महल के बारे में, तो बेगम हजरत महल का जो है ये बेसिकली बेगम की कहां के अवध की, और जो है बेसिकली ये वाइफ किसकी थी, नवाब वाजिद अली शाह की जो है ये सेकंड वाइफ आपको देखने को मिल जाएगी। जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, तो भी इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट किया था, और फाइनली जो है इनकी मृत्यु कब होती है सर, 1879 के अंदर होगी। जब जो है क्या किया जाता है, 1857 के अंदर ये रिवोल्ट करती है, तो ब्रिटिशर सप्रेस कर देते हैं, बाद में जो है ये बेसिकली जो है इनको अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। जो इनके हस्बैंड हैं जिन जो कि कौन होंगे सर, नवाब वाजिद अली शाह होंगे, इनको जो है कहाँ पे भेज दिया गया था, इन द ईयर ऑफ 1856 ऑन द बेसिस ऑफ द मिस गवर्नेंस, इनको जो है अवध से निकाल दिया गया था और कलकत्ता जो है भेज दिया गया था। उसके बाद जो है अवध का चार्ज किसके पास आएगा, प्रिंस बिरजिस कादिर के पास आएगा। ये सारे के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आपको जो है पता होने चाहिए। यदि हम बात करते हैं बेगम हजरत महल की, तो दूसरा इनका नाम क्या होगा ये मिल जाएगा, मोहम्मदी कौनम आपको इनका नाम देखने को मिल जाएगा, और ये शिया इस्लाम रिलीजन से कहीं ना कहीं बिलोंग करती थी, और जो है ये कोटसेन जो है आपको देखने को मिल जाएगी बाय प्रोफेशन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। जो बाकी के यदि हम ट्रॉफीज की बात करते हैं, तो क्रिकेट के अंदर हमने देवधर ट्रॉफी बहुत अच्छे से देखा है, दिलीप ट्रॉफी के बारे में पता होगा, रणजी ट्रॉफी के बारे में पता होगा, और वहीं पर विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में आपको कहीं ना कहीं पता होगा। वहीं पर यदि हम बात करते हैं हॉकी की, तो आगा खान कप आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यानचंद कप आपको देखने को मिलेगा। कबड्डी की यदि हम बात
करते हैं तो अर्जुन अवार्ड देखने को, इसके अंदर जो है कबड्डी की यदि हम बात करते हैं तो जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा, ये जो है बाकी जो टर्मिनोलॉजी होगी जैसे रेड हो गया, ये सारी सारी टर्मिनोलॉजी आपको कबड्डी के अंदर देखने मिल जाएगी। ये जो बाकी के अवार्ड्स जो है ये क्या देखने मिल जाएंगे, ये स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं राइट, ये भी आप हमने बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। अब बढ़ते हम अपने, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 या 11 होगा, इसमें क्या बोला गया है, एक साइड कंट्री है दूसरी साइड कैपिटल है, आपको जो है मैच करना है। लेबनान ऑप्शन में दिया है, जॉर्डन दिया है, डेनमार्क दिया है, वियतनाम दिया है, कॉपेहेगन दिया है, बैरेट हनोई और जो है अम्मान दिया है। तो इजी इजी वाले हम मैच करने की कोशिश करेंगे। वियतनाम की क्या होगी सर, हनोई होगी, ये सबको पता होता है राइट। तो जो है इससे जो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी निकल जाएंगे, हम जो है 50-50 तक पहुंच चुके हैं, तो फोर्थ का सी होगा राइट, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब यदि हम बात करते हैं सर डेनमार्क का भी, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि क्या होगा सर, कोपेहेगन ही आपको जो है इसकी कैपिटल देखने को मिल जाएगी, तो थर्ड का ए होना चाहिए, तो थर्ड का ए यहाँ पे है, तो इसी के साथ जो है ए आपको क्या देखने मिल जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा राइट। तो लेबनन की यदि हम बात करते हैं तो लेबनन आपको जो है वेस्टर्न एशिया में देखने को मिल जाएगा, और जो है इसको जो है लेबनीज रिपब्लिक कहा जाता है, बेरूत इसकी जो है कैपिटल देखने को मिल जाएगी, और ये जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके जो है सीरिया इसके साथ बाउंड्री टच करता है, इसराइल और साइप्रस जो है इसके साथ जो है बाउंड्री को टच करते हैं। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में, जो लेबनन था इसको जो है इंडिपेंडेंस मिली थी 1943 में, और आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसकी जो करेंसी होगी ये लेबनीज पाउंड आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे यदि हम बात करते हैं अम्मान, अम्मान जो है आपको जॉर्डन की कैपिटल भी देखने मिल जाएगी और लार्जेस्ट सिटी भी देखने को मिल जाएगी, आई एम सॉरी। और यहाँ पे जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे किंग का राज चलता है, अलॉन्ग विद दैट जो है गवर्नमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अजलून माउंटेन पूछेगा कहाँ पे है, तो जो है जॉर्डन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पर यदि हम बात करते हैं तो सर अम्मान जो सिटी है इसका जो है बाइबल में जो है काफी ज्यादा मैंशन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर कॉपेहेगन की बात करते हैं, कैपिटल है डेनमार्क की, और आपको क्या देखने मिल जाएगा, डेनिश क्रोन आपको जो है करेंसी देखने को मिल जाएगी। यदि हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की तो कौन है सर, ये देखने मिल जाएंगे फ्रेडरिकसन देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे यदि हम बात करते हैं वियतनाम की तो इसकी कैपिटल क्या होगी, हनोई आपको देखने मिल जाएगी, वियतनामीज डोंग इसकी आपको करेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स भी आपको जो है बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज फाउंडेड बाय द बिंबिसार, बिंबिसार ने इनमें से कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इज नंदा, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी हर्यंका एंड ऑप्शन डी गुप्ता। सो दो राइट आंसर देखने मिल जाएगा, हर्यंका जो डायनेस्टी थी इसको फाउंड किया गया था किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा फाउंड किया गया था। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली जो बिंबिसार था ये मगध का रूलर था और वहां पे इन्होंने हर्यंका डायनेस्टी को फाउंड किया था। अराउंड 52 ईयर इन्होंने रूल किया फ्रॉम 44 बीसी से लेके 492 बीसी तक। उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इनको इनके जो बेटा था जो अजात शत्रु देखने को मिल जाएगा, उन्होंने पहले उनको जेल के अंदर डाला और बाद में जो है इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। यदि हम बात करते हैं सर बिंबिसार के बारे में तो जिस समय जो बिंबिसार का रूल चल रहा था उसी समय आपको ये देखने मिल जाएगा कि गौतम बुद्ध भी उसी टाइम के थे और जो है महावीर जो वर्धमान है वो भी उसी टाइम के देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि क्या, उसमें जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग को स्प्रेड कर रहे थे। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में तो ये जो इसकी कैपिटल कौन सी देखने मिल जाएगी, राजगृह इसकी जो है कैपिटल देखने को मिल जाएगी, जो प्रेजेंट टाइम में बिहार में जिसको राजगीर कहा जाता है राइट। तो जो ये ऐसा माना जाता है ये जो सिटी ऑफ द राजगीर है ये बिल्ड किसके द्वारा की गई है, बिंबिसार के द्वारा ही की गई है, और बाद में जो है क्या करेगा, जो भी आपके जो है इस सिटी के अंदर कमियां रहेगी अजात शत्रु उनको कहीं ना कहीं पूरी करने की कोशिश करेगा। यदि हम बात करते हैं सर नंदा डायनेस्टी, तो नंदा डायनेस्टी को जो फॉर्म किया गया है महापद्मा नंदा के द्वारा, जो कि नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और उसके बाद जो आपको ये देखने मिल जाएगा, जो इसका लास्ट रूलर होगा धनानंद देखने को मिल जाएगा, जिसको ओवरथ्रोन किया जाएगा किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसी के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन एम्पायर की स्थापना करेगा इन द ईयर ऑफ 321 BC। यदि हम मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसको क्या किया था, फाउंड किया था, और जो है आपको ये देखने मिल जाएगा बहुत बड़ी डायनेस्टी देखने मिल जाएगी। और जो है यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ जो इनके मिनिस्टर थे और जो इनके टीचर भी थे, कौटिल्या जिनको हम चाणक्य कहते हैं, इनके साथ ही इन्होंने कहीं ना कहीं जो है इसकी स्थापना की थी। इन्होंने जो है 305 के अंदर जो है जो आपको सेल्यूकस निकेटर
देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि ग्रीक एम्बेसडर था उसको कहीं ना कहीं डिफीट किया था। और आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो है इंडिका जो बुक है ये भी जो है मेगास्थनीस के द्वारा लिखी गई थी इन्हीं के टाइम पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं पर यदि हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी की, तो गुप्ता जो डायनेस्टी है इसको जो है स्टार्ट किया गया था श्री गुप्त के द्वारा अराउंड 240 AD से लेकर 280 AD के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। तो पूछेगा यदि एग्जाम के अंदर कि जो है गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किसके द्वारा किया गया, देन व्हाट शुड बी योर आंसर, आपका आंसर जो है श्री गुप्त होना चाहिए। इसका जो सन कौन सा होगा, ये घटोक्ष आपको देखने मिल जाएगा जो कि नेक्स्ट सक्सेसर आपको देखने मिल जाएगा। और घटोक्ष का जो है फर्दर जो है घटोक्ष का जो बेटा होगा ये कौन देखने मिल जाएगा, चंद्रगुप्त वन देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसके साथ देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, ये देखने मिल जाएगा हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू द सिल्वर कॉइन, जो है फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन था जिसने जो है सिल्वर कॉइन को है इशू किया था। तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी देखने मिल जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त टू। तो इसका जो राइट आंसर देखने मिल जाएगा चंद्रगुप्त टू, इसका जो है राइट आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं चंद्रगुप्त टू के बारे में, तो इसको क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त भी कहा जाता है, और जो है इसको जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इसी के टाइम पे जो है जो मौर्य आपका क्या था, यहाँ पे जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा, जो गुप्ता एम्पायर है ऑलमोस्ट जितना बड़ा मौर्यन एम्पायर था उतना हो चुका था। और आप इन्होंने जो है शादी किससे की, कुबेर नागा से इन्होंने जो है शादी की, जो नागा की प्रिंसेस थी। और जो मेहरुली आयरन पिलर आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा वो भी कहीं ना कहीं जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसके बाद इन्होंने सर क्या किया, जो मालवा और गुजरात है जो कि किसके अंडर थे, साका रूलर के अंडर थे, वहां पे भी इन्होंने इसको जो है क्या किया, कैप्चर किया। अलोंग विद दैट इन्होंने जो है वेस्टर्न सी कोस्ट है वहां पे जो है जो कि काफी फेमस था ट्रेड और कॉमर्स के लिए, उसके ऊपर भी विजय प्राप्त की। बाद में सर ये बेसिकली क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं उज्जैन के ऊपर जो है अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे और उज्जैन को जो है अपनी सेकंड कैपिटल बनाएंगे। ये जो है फर्स्ट उत्तर रूलर देखने में जाएंगे जिन्होंने जो है सिल्वर पॉइंट को जो है क्या किया सर, जो है स्टार्ट किया था। और इन्होंने जो है विक्रमादित्य और सरकारी ऐसी जो है चीजें जो है ऐसे टाइटल्स को इन्होंने अज्यूम किया, जैसे जो है आपको अकबर के टाइम पे नवरत्न देखने मिल जाएंगे, इनके टाइम पे भी नवरत्न होते थे, उनमें से कालिदास और अमर सिन्हा जो है ऐसे पर्सनैलिटी यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। यदि हम बात करते हैं चाइनीज पिलग्रिम की, तो फाइयान ने जो है इन्हीं के टाइम पे जो है इंडिया के अंदर विजिट किया था। तो इसी के साथ जो है हमारे आज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सारे के सारे। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डू सो देन यू हैव टू प्रेस द लाइक बटन। व्हाट एवर द सजेशंस यू आर हैविंग रिगार्डिंग द वीडियो यू मे राइट इट डाउन इनटू द कमेंट बॉक्स, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।